हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट का है, जो कि 6 सेमेस्टर सभी ब्रांच को बच्चों को पढ़ना है। इसमें हम जो गेसिंग लेकर आए हैं वो सब्जेक्टिव का गेसिंग है, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन कराए हैं। वो एग्जाम में 100% आने की चांस है। ठीक है बाबू, चलिए उससे पहले जो मेरा मैनेजमेंट पेपर है, ये एक कैसा पेपर है बाबू? थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें अगर हम बेटर नहीं लिखेंगे तो आप लोग को मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें आप लोग लिखने को भी अच्छा से समझ जाइएगा। तो बाबू हम लोग लिखेंगे कैसे मैनेजमेंट का पेपर? तो मैनेजमेंट का पेपर में अगर बढ़िया मार्क्स लाना है तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। अगर 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 5 पॉइंट में डील कर देंगे, ताकि आप लोग को टीचर पॉइंट पढ़ के फुल में फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, और 6 सेमेस्टर का जो मार्क्स होगा आने वाले परसेंटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आप लोग का जो वैकेंसी है बीआर में जो नंबर बेसिस पे उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ कृपया उतना ही पढ़ कर जाए, उससे ज़्यादा आप लोग का सब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है बाबू, चलिए उससे पहले जो बच्चे मेरे इस चैनल के साथ नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में सभी अपडेट आप लोगों के पास मिलते रहे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं बेटर कर सके आने वाले वैकेंसी के लिए। ठीक है बाबू, चलिए तो बाबू बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच कराएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने की संभावना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पर्ट? पर्ट से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? इसका लाभ और हानि के बारे में जिक्र कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप्स ऑफ बिजनेस। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो तीनों को एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। तो बाबू बिजनेस क्या है उसका एक टाइप को एक्सप्लेन करें। तो हम जैसे पहला टाइप है ट्रेड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, तो ये तीनों बिजनेस का टाइप्स लिख लीजिएगा और किसी एक को आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बजट? बजट से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है बाबू, और उसका आप लोग को टाइप्स भी लिखना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो चौथा जो क्वेश्चन है बाबू वो बोल रहे एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ठीक है, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखिए। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन बाबू क्या है, व्हाट इज इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको शॉर्ट में IPR बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके टाइप्स करना है, टाइप्स को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, IPR क्या है इसके बारे में लिखना है, और इसको टाइप्स को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार पूछ चुका है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रख कर ही जाइएगा। व्हाट इज मैनेजमेंट? आप लोग सिंपल मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या है उसको लिखना है। ठीक है, गिव इट्स वेरियस डिफिनेशन। बोलवे किए इसका वेरियस डिफिनेशन कहने का मतलब, अलग अलग साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट का अलग अलग डिफिनेशन दिया था, जिसमें से एक डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है FW Taylor का। FW Taylor मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशन दिया था इसको लिखिएगा। ठीक है, हेनरी फोयल मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशन दिया था इसको भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, हेनरी फोयल से एक नाम और चीज़ याद आया, हेनरी फोयल ने 14 प्रिंसिपल भी दिया था, जो कि एग्जाम में आप लोग को 6 मार्क्स में क्वेश्चन आने के 100% चांस है। ठीक है, उसका आता है एग्जाम में। ठीक है, हम क्वेश्चन में इसमें दिए भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बाबू अगला जो क्वेश्चन है, 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन समझ गए, मैनेजमेंट का डिफिनेशन, और उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने जो डिफाइन किया था, 5 से 6 साइंटिस्ट, उसका उसको स्टेटमेंट को लिख देना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या है उसको देख लेते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेरियस टाइप्स, और उसको छोटा सा एक्सप्लेन भी कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद 8 क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बाबू, राइट डाउन द 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फोयल।
बोले थे ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि में VVI मतलब ये 6 नंबर आप लोग 100% क्लियर कर देगा, ठीक है। हेनरी फोयल का 14 प्रिंसिपल, 14 का प्रिंसिपल लिखने को आप लोग को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने को आ सकता है। चलिए उसके बाद बाबू 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग को डिफाइन करने को आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर क्वेश्चन है। अभी हम 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला हम लोग चलते हैं बाबू 11 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा तो किस किस पा सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए सिक्स सिग्मा पहला देखिए कहाँ शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स सिग्मा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 100% आने की संभावना है, उसको आप लोग देख कर ही जाइएगा, ठीक है बाबू, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को आ सकता है ISA, ठीक है, ISA को हम लोग को लिखने को आ सकता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ISA का फुल नेम होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। दूसरा है ESA है, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तीसरा है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल को भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है। इसमें जो हम लोग बाबू आप लोगों को बोले, देखिए ISA जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका फुल नेम भी हम आप लोगों को बता दिए, अगर आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन में तो देख लीजिएगा, इसका फुल नेम होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बताएं ESA, उसका होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन हम बोले थे यहाँ पर फिक्स, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इसमें डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, कहीं कहीं पर एक्सप्लेन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 12 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग को डिफाइन करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है 13, उसको देख लेते हैं बाबू। व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है, ड्रॉ इट्स टाइपिकल फॉर्मेट शोइंग मेजर कंपोनेंट्स, उसको हम लोग क्या करना है भाई, इसका फॉर्मेट को हम लोग को शो करना है मेजर कंपोनेंट के लिए, ठीक है, फॉर्मेट को बनाना है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 14 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। तो 14 जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स का वेरियस टाइप आप लोग को बताना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसका टाइप्स को पूरा लिख कर और एक्सप्लेन भी कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है उसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए बाबू आगे हम लोग चलते हैं 16 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए 16 जो क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो कि मैनेजमेंट का सबसे मेन पार्ट होता है कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 17 क्वेश्चन बाबू क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन एंड सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, कहने का मतलब एक्सप्लेन करने को आ सकता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसको आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 18 जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को कुछ जो टर्म होता है एग्जाम में डिफाइन करने को भी आ सकते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों के बीच लिख दिया हूँ, ठीक है। पहला जो है एम है स्टाफिंग, स्टाफिंग को डिफाइन करने को आ सकता है। दूसरा जो है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, इसको भी डिफाइन करने को आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सी ABC एनालिसिस जो कि एग्जाम में 100% पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद बाबू EOQ भी देख कर जाइएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल नेम होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है JIT, ठीक है, JIT का फुल नेम होता है जस्ट इन टाइम, उसको आप लोगों को डिफाइन करने को आ सकता है।
उसके बाद एएसएपी, एएसएपी का फुल नेम होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है आईएफए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने को 100% आ सकता है। तो इस डिफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है बाबू, तो पहला है स्टाफिंग क्या है, उसके बाद एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू और आईएफए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग देख कर चल जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा है 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस, जो आएगा तो अगर 4 नंबर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा जो 20 नंबर है, डिफाइन टीक्यूएम, टीक्यूएम का बाबू फुल नेम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी सर्किल क्या होता है, ठीक है, एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, इसको हम लोग को डिफाइन करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बाबू 21 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट, जो कि आप लोगों को लिखने को आ सकता है, जो मेरा ये क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि डिफरेंस लिखने को आ सकता है सीपीएम और पर्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाउ सिक्स सिग्मा हेल्प्स इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, कहने का मतलब जो सिक्स सिग्मा होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, वो आखिर कैसे करते हैं, इसको आप लोग एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वो 23 जो क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो राइट द स्टेप्स ड्यूरिंग परचेजिंग, कहने का मतलब कि हम लोग को परचेजिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है उसको लिखने का होता है, ठीक है, और हम लोग को बताना है इसका स्टेप्स कि हम लोग कैसे परचेज करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को 24 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सर्विस टैक्स एंड वैट, वैट आप लोग जानते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि किसी भी मॉल में हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो आखिर वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है, सर्विस टैक्स होता क्या है, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बाबू 25 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, इसका फंक्शन और उद्देश्य को आप लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 26 क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, राइट द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है उसको हम लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है। चलिए बाबू उसके बाद जहाँ 27 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, डिफाइन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होता है, राइट डाउन इस टाइप्स, इसका टाइप्स को भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू 28 क्वेश्चन की ओर, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन हम लोग को पहला आ सकता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस लिखने के, मतलब पब्लिक सेक्टर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसके बीच में अगर 4 नंबर में डिफरेंस लिखने को आएगा तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी डिफरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 29 क्वेश्चन, तो 29 क्वेश्चन बाबू क्या बोल रहे हैं, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके पूरा फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, उसको हम बता दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख कर जाइएगा। उसके बाद बीच में जो भी हम एक्सप्लेन करने के फुल फॉर्म लिखे थे उसको हम लास्ट में डाल दिए, ताकि आप लोगों को बुक से खोजने या क्वेश्चन बैंक से खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है बाबू। ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भेजिएगा जो कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ताकि इस एग्जाम में अगर बेटर करेंगे तो उनका परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा, जो कि आने वाले वैकेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कॉमेंट शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। और इसका जो हम बोले बाबू आप लोग को PDF नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, उस टेलीग्राम के चैनल में आप लोग का इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।